अंडा के दुकानदार द्वारा अपने ग्राहक से पैसा मांगना पड़ा भारी। दबंगों द्वारा दुकानदार की बेरहमी से पहले तो पिटाई की गई और दुकान को किया आग के हवाले। आधा दर्जन से अधिक दुकान जलकर राख। ग्रामीण और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू। होलिका दहन के दिन का ये मामला है। दो नामजद लोगों के विरुद्ध आलापुर थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। स्थानीय पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। ये पूरा मामला आलापुर थाना अंतर्गत हिसामुद्दीनपुर पिपरा बाजार का है। नाम है आपका? हाँ, हमारा पलटान। कहाँ के रहने वाले हैं? हम भगवानपुर घर है साहब, थोड़ा दूर पर मुसीपुर के करीब में। अच्छा, यहाँ क्या हुआ है कल? यहाँ साहब ये दीपू रहना और राम सिंह दोनों जने रहना ही गांजा दारू पियत रहना साहब। अंडा खाई ना पैसा मांग देवे ना ही करना। ओकर बाद हम बोले थे तो मार देना हमारे कपारे फाट गया मूल। तब के बाद हम गलती वलती माफी मांग के ले गए साहब घर छोड़ गए। तो पुलिस को आप सूचना नहीं दिए थे कल? ना, तो जब रात में मड़ई फूक दे तब अली तब पुलिस वाले इन्हें मतलब सब इन्हें तब कही गए नहीं। कितना नुकसान हुआ है साहब? बहुत नुकसान है, एकदम सबका नुकसान है। आपका कितना हुआ लगभग? अरे हमारा साहब 70-80 हज़ार हमारो नुकसान हुई है। दुकानें जलाई गई हैं, क्या हुआ उस पकड़ने में? ये एक सूचना मिली आलापुर को कि होलिका की रात में कुछ 6 छप्पर जले। इस संदर्भ में एक अभियोग पंजीकृत कराया पलटन जी ने 94/23। इसमें SC/ST Act का भी मुकदमा है और दो लोगों को नामजद किया गया है। इसमें दबिशी कार्रवाई चल रही है और जांच प्रचलित है। इसमें नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की गई।